यहाँ क्या सोने नहीं देते? ची पगली। भारत संविधान कहता है, चुप बैठ बे, बिना पानी के सब मर रहे हो और ये हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे राज्य में हमेशा पानी आना चाहिए। अभी आप 50 TMC पानी तमिलनाडु को छोड़ो, इट्स माय ऑर्डर। बोलिए नेताजी। वलेदम, 8 तारीख को तेरे गांव में पानी आ जाएगा। दिल्ली, आंध्र, कर्नाटका में सबके पैर पकड़कर कैसे भी करके नहर में पानी ला दिया हूँ, अब तो खुश हो जाना। जरूर आ जाएगा नेताजी। जरूर आ जाएगा यार, घबराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी, रखता हूँ। पानी आ जाएगा। सरकार कह रही है कि 8 तारीख को पानी आएगा। हमारे गांव की नहर में 8 तारीख को पानी आ जाएगा। ये अपहरण हुई मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को घर वापस लाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये पानी नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्रयत्न करके मुख्यमंत्री से बार बार मिलके मेरी जनता तकलीफ ना उठाए, इस वजह से इतना तकलीफ उठाने के बाद ये पानी आ रहा है। सर, मैंने सुना ये सबका कारण वो सत्या है, गांव में उसकी ही वजह से पानी आ रहा है। वो कैसे हो सकता है? अगर नहर में पानी आ रहा है तो ये हमारी पार्टी, हमारे नेताजी और मेरे लिए गर्व की बात है और ये हमारी जीत है। बलवान की जीत हुई, 8 तारीख को धारा में पानी आ जाएगा, ऐसा तमिलनाडु की सरकार का कहना है। ए, अबे वो मेरी जिंदगी के बीच में आकर प्लान करके झंडा पकड़ के बिंदु डालकर रंगोली बनाकर उसमें गणपति को भी रखकर पूजा कर लिया बे। उसको टपकाना होगा, टपकाना होगा उसको, टपकाना होगा उसको, टपकाना होगा उसको। नेताजी बोल रहे थे कि 8 तारीख को नहर में पानी आ जाएगा। मालूम पड़ा ना, हाँ? मेरी पत्नी और बेटी को लाकर छोड़ बे। क्या खोलने से कब कहाँ क्या आएगा ये मुझे मालूम है। तेरी पत्नी तेरी बेटी को कब कहाँ छोड़ना है ये भी मुझे मालूम है। मूर्ख लड़का साला। छात्र, तुमने गणित टीचर की गिनती जोड़ी थी ना, वो क्या हुआ? हाँ हुआ, तब तक तो आप बीच में आ गए। छोड़ छोड़ छोड़, भूल जा, बिना देखे जा रहा है। ए, इधर आ। मैं कौन हूँ मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। अध्यापक, दूध पीते बच्चों का अध्यापक। चुंग चंग चुंग चंग चुंग। अध्यापक हूँ। कुश्ती कर रहे बे। बलवान को जानते हो? जानता हूँ। ए, बलवान को जानता है, इनको नहीं पहचानता है? ये उसका मामा है। अच्छा, मामा है। क्या रे? अध्यापक जी, अभी मैं पूछता हूँ। पूछो पूछो। देखिए, अबे ये कौन है सच में नहीं मालूम है? नहीं मालूम। इनको जाने बिना गांव में क्या कर रहा है? यही है बलवान के इकलौते मामा। क्या, बलवान का इकलौता मामा है? सिग्नल आ गया। नहीं। क्या बे, बलवान का मामा होकर बीच रास्ते में दारू पीकर तमाशा कर रहा है? मार सर। अरे नहीं, नहीं मार। अरे छोड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं हूँ। अरे मार। अरे तू मेरे बाप हो। तू मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मार। लूटे की जरूरत है बस। जो भी होगा अच्छा ही होगा भैया। अच्छा रखता हूँ। अध्यापक जी, हम चलें?
छात्र, आज से दोनों की दोस्ती खत्म। इस जन्म में तुम मुझे मत मिलना और मैं भी तुझसे नहीं मिलूंगा। आज से हम दोनों अलग हो चुके हैं। नमस्ते सर, जैसा मैंने बोला था वैसा आपने कर दिया। वैसे मैं भी गांव की नहर में पानी आते ही मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को सुरक्षित लाके छोड़ दूंगा। We'll be right back.